नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने रविवार को इमरान खान की सरकार पर हमला बोलने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहारा लिया। मरियम नवाज लाहौर में PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के युवा सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। नवाज शरीफ अभी लंदन में रह रहे हैं और मरियम नवाज PMLN का नेतृत्व खुद ही कर रही हैं। इस सम्मेलन के संबोधन में मरियम ने कहा कि नवाज शरीफ का विजन देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नवाज शरीफ का विजन देखो, वाजपेयी और मोदी का घर चलकर आना। अपनी पार्टी के युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए मरियम ने कहा कि नवाज शरीफ की हिम्मत देखो, इमरान खान पनामा लाए लेकिन मेरे पिता झुके नहीं। नवाज शरीफ डटा रहा, पनामा लाने के बाद इस्तीफा देने को कहा। नवाज शरीफ ने ना इस्तीफा दिया और ना ही घर गए। नवाज शरीफ ने आवाम का परचम बुलंद रखा, जब कुछ नहीं चला तो झूठे मुकदमे में फंसाया। ये होता है आवाम की इज्जत को तवज्जो देने वाला प्रधानमंत्री, ये होता है तारीख की धारा मोड़ने वाला प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में पाकिस्तान बस से गए थे, तब नवाज शरीफ ही प्रधानमंत्री थे। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अचानक से पाकिस्तान चले गए थे। पीएम मोदी तब अफगानिस्तान गए थे और वहीं से लौटते वक्त इस्लामाबाद उतर गए थे। उस दिन नवाज शरीफ का जन्मदिन था, तब हर कोई हैरान रह गया था। पीएम मोदी नवाज शरीफ के घर गए थे और उनकी मां के लिए साड़ी भी ले गए थे। हालांकि इस दौर में दोनों देशों के संबंधों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। बाद में आतंकवादी हमले हुए तो विपक्ष ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया और पाकिस्तान दौरे की आलोचना की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।